हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। वही रविवार को करनाल के मंगल सेन ऑडिटोरियम में वाल्मीकि प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने बड़ौदा उपचुनाव पर बातचीत करते हुए कहा कि माहौल बहुत अच्छा है, सभी पार्टियां अपने अपने अभियान में जुटी हुई हैं। पहले ये सीट कांग्रेस के पास थी, लेकिन अब बीजेपी को ये सीट जीतने का मौका मिला है। इस दौरान उन्होंने बड़ौदा उपचुनाव में जीत का दावा किया है। तो करनाल में बड़ौदा उपचुनाव को लेकर ओपी धनखड़ ने जीत का को लेकर ओपी धनखड़ बेहद आश्वस्त नजर आए। उन्होंने कहा कि सभी पार्टियां अपने अपने अभियान में जुटी हुई हैं, लेकिन इस बार उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी की जीत होगी बड़ौदा सीट से। तो करनाल में कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए ओपी धनखड़ पहुंचे हुए थे, जहां पर उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा और ओपी धनखड़ ने जीत का दावा किया है बड़ौदा उपचुनाव को लेकर। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर किसानों को भड़काने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कृषि कानून को लेकर कांग्रेस पार्टी किसानों को भटकाने का काम कर रही है, लेकिन बड़ौदा उपचुनाव में कांग्रेस की रणनीति कामयाब नहीं हो पाएगी। बड़ौदा से बीजेपी जेजेपी प्रत्याशी योगेश्वर दत्त जीत दर्ज करेंगे। बड़ौदा चुनाव का बहुत अच्छा माहौल है, नॉमिनेशंस हो गए हैं और बहुत मैं कहूंगा कि सभी पार्टियां अपने अपने अभियान में लगी हैं। ये सीट पहले कांग्रेस के पास थी, लेकिन बीजेपी को एक अवसर मिला है। इस अवसर को